वेल गाइस, जितना इम्पोर्टेंट हमारा वीडियो के आगे इंट्रो लगाना होता है, ठीक वैसे ही इम्पोर्टेंट होता है हमारे वीडियो में सब्सक्राइब बेल एनिमेशन को लगाना। या तो आज मैं बात कर रहा हूँ सब्सक्राइब बेल एनिमेशन किस तरह से बनाते हैं। तो इस एनिमेशन को बनाने के लिए हम काइनमास्टर एप्लीकेशन का यूज़ करेंगे। ये एप्लीकेशन आपको अपना प्ले स्टोर से मिल जाएगा या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिना वाटर मार्क वाला काइनमास्टर का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं हमारा जो पुराना काइनमास्टर था वो लैंडस्केप मोड में था, तो इस बार जो एक काइनमास्टर है वो मैंने अपडेट किया हुआ है, न्यू वर्जन वाला काइनमास्टर है। तो आपको वहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपली आपको अपने मोबाइल में काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस नजर आएगा, यहाँ से आपको न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, फिर यहाँ एक्सपेक्ट रेशियो को 16:9 सेलेक्ट कर लेना है, फिर यहाँ क्रिएट न्यू क्लिक करना है। तो गाइस आप देख सकते हैं अपना काइनमास्टर है जो वो लैंडस्केप मोड में ओपन हो चुका है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, एक टेम्पलेट ऐड करना है सब्सक्राइब बेल एनिमेशन का। जो मैं टेम्पलेट यूज़ करता हूँ उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि मैं ऐड करता हूँ आपको भी ऐड कर लेना है। टेम्पलेट ऐड करने के बाद यहाँ आपको क्रॉस पर क्लिक करना है, फिर टेम्पलेट को कुछ इस पॉइंट पर लाने के बाद आपको क्या करना है, लेयर पर क्लिक करना है, देन यहाँ मीडिया को सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ हम अपने जगह का लोगो ऐड करेंगे। जैसा कि मैं ऐड करता हूँ आपको भी ऐड कर देना है। लोगो को ऐड करने के बाद यहाँ लोगो को थोड़ा छोटा कर लेना है, फिर यहाँ प्लेस कर देना है। लोगो सेट करने के बाद आपको लोगो में एनिमेशन ऐड करना है, तो आपको राइट साइड में इन एनिमेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ क्लिक करना है, फिर यहाँ स्क्रॉल करके नीचे आना है, आपको यहाँ साइड अप करके एनिमेशन मिल जाएगा, वहाँ क्लिक करना है और उसकी टाइमिंग को यहाँ 0.9 सेकंड तक कर देना है, फिर यहाँ बैक हो लेना है, फिर से आपको यहाँ से बैक हो लेना है, फिर आपको यहाँ लेयर पे क्लिक करना है, टेक्स्ट पे क्लिक करना है, यहाँ हम अपने चैनल का नेम ऐड करेंगे। नेम ऐड करने के बाद आपको उसका कलर चेंज करना है, तो आपको राइट साइड में कलर का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ क्लिक करना है, फिर यहाँ रेड कलर को सिलेक्ट कर लेना है, फिर यहाँ राइट पे क्लिक करना है, फिर आपको स्क्रॉल करके राइट साइड में नीचे आ जाना है, आपको यहाँ आउटलाइन का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ क्लिक करना है और इसे इनेबल कर देना है, और इसके वेट को यहाँ +10 पॉइंट तक कर देना है, फिर नेम को ड्रैग करके यहाँ नीचे लाना है जस्ट कुछ इस तरह से प्लेस कर देना है। यहाँ बीचों बीच हमारे चैनल नेम में कुछ एनिमेशन ऐड करेंगे, तो आपको इन एनिमेशन का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ क्लिक करना है, सेम प्रोसेस है, साइड अप को सिलेक्ट करना है और 0.9 सेकंड तक कर देना है, फिर यहाँ बैक हो लेना है, फिर से यहाँ बैक हो लेना है, फिर आपको यहाँ लेयर पे क्लिक करना है, टेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिर आपको क्या करना है, अपने चैनल का UTR या अपने चैनल का लिंक ऐड कर सकते हैं आप, जो वेबसाइट है हम आपका जो खुद का बनाया हुआ, या फिर आप अपने नेम भी डाल सकते हैं। तो मैं अपना नेम डाल देता हूँ यहाँ, मिस्टर वर्मा। नेम डालने के बाद नेम का कलर चेंज करेंगे, तो आपको यहाँ कलर का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ क्लिक करना है, उसे ब्लैक कलर को सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ राइट पे क्लिक करना है, और अब हमें क्या करना है, उसे यहाँ जस्ट नीचे हमारे जो चैनल नेम है उसके ठीक नीचे प्लेस कर देना है, थोड़ा छोटा करके। और अब हमें क्या करना है, हमारे जो अभी नेम ऐड किया है उसका फॉन्ट चेंज करेंगे, तो आपको यहाँ डबल ए का आइकन मिलेगा, वहाँ क्लिक करना है, और यहाँ सेंस से रिक करके जो आपको एक ऑप्शन मिलेगा, वहाँ क्लिक करके यहाँ एक्सो बोल्ड करके फॉन्ट है उसे सिलेक्ट कर लेना है। ये फॉन्ट आपके काइनमास्टर में नहीं है तो यहाँ आपको काइनमास्टर का स्टोर मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल मैं ये फॉन्ट को यूज़ कर रहा हूँ। तो आपको फॉन्ट डालने के बाद अब इसमें भी हम एनिमेशन ऐड करेंगे, तो आपको इन एनिमेशन का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ क्लिक करना है, सेम प्रोसेस साइड अप को सिलेक्ट करना है और यहाँ 0.9 तक कर लेना है, फिर यहाँ क्रॉस पर क्लिक करना है, फिर इन सब में हमें आउट एनिमेशन डालना है, तो फिर आपको लोगो को सिलेक्ट करना है, आउट एनिमेशन को सिलेक्ट करना है और यहाँ से आपको साइड डाउन एनिमेशन मिल जाएगा, वहाँ क्लिक करना है और उसकी टाइमिंग को 1 ही रहने देना है।
और यहाँ बैक हो लेना है, सभी में हम एनिमेशन डालेंगे। हमारे चैनल नेम में आपको आउट एनिमेशन का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ क्लिक करके सेम प्रोसेस सेट डाउन और उसकी टाइमिंग को वन रहने देना है। फिर हमें हमारा नेम सिलेक्ट करना है, आउट एनिमेशन को सिलेक्ट करना है और सेट डाउन को सिलेक्ट करके उसकी टाइमिंग को 1 सेकंड ही रहने देना है। फिर यहाँ राइट पिक बैक हो लेना है आपको फिर से। और अब जो हमारा लोगो है उसको हमें स्टार्टिंग में लाना है कुछ इस तरह से, जितना बड़ा कि हमारा टेम्पलेट है, दोनों साइड से आगे को लेना है, हमारे चैनल नेम को आगे लेना है दोनों साइड से, जैसा कि मैं करता हूँ आपको भी कर लेना है। इतना करने के बाद गाइज अब हमारा जो टेम्पलेट है सब्सक्राइबल एनिमेशन वो ऑलरेडी बन चुका है, तो एक बार मैं इसे प्ले करके दिखा देता हूँ आपको। तो गाइज कुछ इस तरह से हमारा जो बेल सब्सक्राइब बेल एनिमेशन है वो बन चुका है। तो इस एनिमेशन को सेव करने के लिए आपको यहाँ एरो पे राइट साइड में एरो दिख जाएगा, वहाँ क्लिक करना है। और इस बार भी हमारा जो काइन मास्टर है वो प्रो वर्जन का है, न्यू वर्जन का, तो आपको यहाँ 4K तक का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपके डिवाइस में सपोर्ट है तो आपको 4K को सिलेक्ट करना है। फिलहाल मैं 1080p को सिलेक्ट करता हूँ, बिट रेट को हाई रखना है, फिर यहाँ सेव पे क्लिक करना है। तो आई होप कि गाइज आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।